अपने साथ अपनी जो पांडुलिपियां थी, जो कलाकृतियां थी, उनके ज्ञान विज्ञान के जो भी अन्वेषण की जो भी चीजें थी, वो सब अपने साथ अपनी चिंतन पद्धति के साथ यूरोप में लेकर आ गए। दूसरा परिणाम ये हुआ कि स्थल मार्ग बंद हो गया, क्योंकि तुर्क जो है बर्बर थे, समझते नहीं थे कि भाई व्यापार का क्या महत्व है ये सब। तो वो स्थल मार्ग जो था, जो कुस्तुनतुनिया के द्वारा यूरोप को और एशिया को जोड़ता था, अरब कंट्रीज को जोड़ता था, वो बंद हो गया। और पूर्वी देशों की ओर जाने से, मतलब पूर्वी देशों की ओर जाना था उन लोगों को, इसलिए समुद्री मार्गों की खोज आरंभ हुई। इसके बाद अगला कारण है मंगोल साम्राज्य का योगदान। 13वीं सदी में कुबलई खान, एक मंगोल शासक था, चंगेज खान के बाद हुआ था, कुबलई खान द्वारा विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जिसके दरबार में वो देश विदेश से विद्वानों को, कलाकारों को, सबको आमंत्रित किया करता था। एक ही जगह, एक ही दरबार में सारे विद्वान आते थे, और यहाँ आए विद्वानों और जो यात्री थे उनके द्वारा क्या हुआ, यूरोप में कागज कुतुबनुमा आदि पहुंचे। ये कुबलई खां का जो साम्राज्य है वो कौन से एरिया है, जो रूस है, हंगरी है, पोलैंड है, इतना जो बड़ा एरिया था, इतना विशाल साम्राज्य था, वो कुबलई खां के अंडर में था। और वो पूरे विश्व भर से सारे विद्वानों को अपने दरबार में बुलाता था, यात्री भी बहुत सारे जाते थे। और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट यात्री का नाम है, इसे याद रखिए, मार्को पोलो। मार्को पोलो ने यहाँ के यात्रा वृतांत को कलमबद्ध किया, जिसे पढ़कर यूरोप वासियों का मन पूर्वी देशों की यात्रा को लालायित हुआ। मार्को पोलो ने बहुत अच्छा विवरण दिया है, उसने बताया है कि वो कितने समृद्ध हैं, कितने अच्छे हैं, वहाँ ज्ञान की क्या स्थिति है, दरबार में किस तरीके की चर्चाएं होती हैं। इंडिया की तरफ से भी वो घूमता हुआ गया था, और उसका जो विवरण था उसको पढ़कर यूरोपियंस जो हैं उनका मन किया कि वो भी पूर्वी देशों की यात्राएं करें, वहां के ज्ञान विज्ञान से परिचित। इसके बाद अगला कारण है नवीन आविष्कार। जब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक लेखन बहुत ही सीमित होता था, क्योंकि आपको अगर कोई पुस्तक चाहिए तो क्या करेंगे, पत्र वत्र, ताड़ पत्र, भोज पत्र जो भी है उसको तैयार किया, उसके बाद उस पे हाथ से लिखे। तो जब तक कागज नहीं आया था तब तक लेखन बहुत कम किया कर जाता था, क्योंकि वो पत्रों को तैयार करना, वो सब उनको सब ढंग से रखना, वो सब भी एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया हुआ करती थी। उसके बाद 15वीं सदी में जर्मनी के गुटेनबर्ग ने छापा खाने का आविष्कार किया, प्रिंटिंग प्रेस का, जिसके कारण पुस्तकें छपने लगी। अब हाथ से लिखने की जरूरत नहीं थी, पुस्तक छप जाएगी। इससे क्या है, अब लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता था। पहले ही कह दिया जाता था, जैसे मान लीजिए उपदेश सुनने के लिए गए लोग, पादरी जी ने कह दिया कि भाई पुस्तक में यही लिखा हुआ है, उस व्यक्ति के पास तो हाथ में पुस्तक है नहीं, उसको तो मानना पड़ेगा कि हाँ यही लिखा हुआ होगा। लेकिन अब जब पुस्तकें छपने लगी तो वो सर्व सुलभ होने लगी, सस्ती भी पड़ने लगी और सर्व सुलभ होने लगी। तो अब लोगों को आप ये नहीं कह सकते कि भाई पुस्तक में ये लिखा हुआ है, क्योंकि वो स्वयं पुस्तक देख लेगा कि पुस्तक में है या नहीं है। और इसके बाद पुस्तकें छपने से क्या हुआ, ज्ञान का प्रसार होने लगा और अंधविश्वास और रूढ़िवाद का अंत होने लगा, जिससे पुनर्जागरण हुआ। फिर भौगोलिक खोजें, मैंने आपको बताया था समुद्री मार्गों की वो खोज करने लगे, क्योंकि तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। तो हम देखते हैं कि 1487 में बार्थोलोमो डियास, उन्होंने केप ऑफ गुड होप उसको खोजा। 1492 में कोलंबस के द्वारा अमेरिका को, नई भूमि को खोजा गया। 1498 में वास्को डिगामा ने भारत के लिए कौन सा समुद्री मार्ग आ सकता है उसकी खोज की। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया आदि ये सब खोजे गए। अब एक और टॉपिक है जो पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ है, कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में ही क्यों हुआ। कई कारण हैं इसके भी, इसमें पहला कारण है कि इटली की जो भौगोलिक स्थिति थी, क्या है उसकी भौगोलिक स्थिति, आप मैप में देखिए, उसमें आप देखेंगे कि पश्चिमी और पूर्वी दुनिया के मध्य जो भूमध्य सागर है उसी पर इटली स्थित है। और इटली इस तरीके से स्थित है कि समुद्र की काफी जो उसकी सीमाएं हैं वो काफी सारी समुद्र से घिरी हुई है, यानी कोई पूर्वी
देशों से आएगा समुद्र के माध्यम से, तो यूरोप के अंदर एंटर होने से पहले उसे इटली में आना ही होगा। तो जो उसकी भौगोलिक स्थिति है वो इस प्रकार की थी कि पूर्वी देशों और पश्चिमी देशों के मध्य वो स्थित था। दूसरा कारण है कि यहाँ के जो नगर राज्य थे उनमें सामंतवाद न होने के कारण व्यापारिक समृद्धि आई और उस व्यापारी वर्ग ने नगरों के सौंदर्यीकरण पर धन व्यय किया। अपन पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों कि रोमन साम्राज्य दो भागों में बट गया था, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी रोम, जो इटली में स्थित है। तो इटली में जब राजा का अंत हुआ या रोमन साम्राज्य का जब अंत हुआ तो यहाँ पर सामंत नहीं आए, यहाँ पर क्या हुआ, छोटे छोटे नगर राज्य बन गए। इन नगर राज्यों में सामंत नहीं थे, इसी कारण जो व्यापारी थे वो व्यापार वाणिज्य के लिए स्वतंत्र थे और उनमें व्यापारिक समृद्धि सबसे पहले आई। जब समृद्धि आई तो इस व्यापारिक वर्ग ने नगरों के सौंदर्यीकरण पर धन व्यय किया, चित्र बनवाना, मूर्ति बनवाना आदि कार्य किए गए। इसके बाद तीसरा कारण था कि इटली में ही पुनर्जागरण हुआ। कुस्तुनतुनिया से पलायन कर विद्वानों ने इटली में आश्रय लिया। हम पढ़ चुके हैं पुनर्जागरण के कारणों में कि जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया था तो वहां से जो विद्वान हैं वो भागे और उन्होंने भागे मतलब पलायन किया उन्होंने, और वो सर्वप्रथम इटली में आए। इटली में वो क्यों आए, वही बात है, हम मैप में देखेंगे तो देखेंगे कुस्तुनतुनिया से जब भूमध्य सागर में आप चलते हैं तो सबसे पहले इटली आता है, इसलिए वहां इटली में उन्होंने आश्रय लिया। इसके बाद चौथा कारण है कि प्राचीन रोमन सभ्यता के अवशेषों से लोगों ने प्रेरणा ली। इटली रोमन साम्राज्य की बहुत महत्वपूर्ण जगह थी, रोम वही था जो उसकी राजधानी थी और उसके बहुत सारे अवशेष, आप जानते हैं राजधानी के अंदर ही बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और चित्र बनना, मूर्तियां बनना, ये सब वही होता है। तो चूंकि रोमन सभ्यता का केंद्र रहा था इटली, इसलिए वहां पर बहुत सारे अवशेष थे। तो लोगों ने जब देखा अपनी प्राचीन सभ्यता को तो वो उनके अंदर ये बात आई कि हमें अपनी प्राचीन जो गौरव था उसे पुनः प्राप्त करना चाहिए। जैसे इसको एक उदाहरण से समझिए कि आप बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छा लिखते थे पहले कभी, और आपने वो लिख कर आपकी कविताएं और वो डायरियां वगैरह हैं वो आपने लिख के रख रखी हैं, लेकिन बीच में परिस्थितियों के कारण, समय अभाव के कारण आप बिल्कुल लिखने से विमुख हो गए। लेकिन कई सालों बाद जब वो पुरानी डायरीज और वो पुराने पत्र और वो सब हाथ में लगते हैं तो हमें क्या इच्छा करती है, अरे हम इतना अच्छा लिखते थे क्यों नहीं हम वापस लिखना शुरू करते, यानी प्रेरणा मिलती है पुराने अच्छे काम से। वही चीज यहाँ पे है कि जो प्राचीन रोमन सभ्यता के अवशेष थे उन्होंने अब लोगों को प्रेरणा दी कि भी प्राचीन काल में जब हम इतने गौरव से थे और इतने अच्छे अच्छे कार्य हमने किए थे तो अब क्यों नहीं हम पुनः इस कार्य को करें। इसके अतिरिक्त एक कारण है कि कुछ प्रगतिशील पोप जो थे उन्होंने विद्वानों और कलाकारों को आमंत्रित किया और यूनानी ग्रंथों का लेटिन में अनुवाद करवाया। इटली के रोम में पोप का निवास है और वैसे तो पोप जो हैं वो धर्म अधिकारी हैं और धर्म के बंधन में लोगों को रखते थे, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति में फर्क होता है और कुछ जो प्रगतिशील पोप थे जो उदारवादी थे उन्होंने खुद विद्वानों और कलाकारों को आमंत्रित किया और अपने जो गिरजाघर हैं उसमें भित्ति चित्र बनवाना या मूर्तियां बनवाना ये कार्य भी किए उन्होंने, और इसके साथ साथ जो यूनानी ग्रंथ थे प्राचीन उनका लेटिन भाषा में अनुवाद भी करवाया। इसके बाद जो एक विशेषता है या कारण है कि इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ, इटली का समाज उदारवादी था क्योंकि रोमन साम्राज्य से मुक्त हो गया था और सामंत व्यवस्था यहाँ पनपी नहीं, अतः निवासी स्वतंत्र विचारों के थे। रोमन साम्राज्य की राजधानी होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे अवशेष, बहुत सारी चीजें बची हुई थी। जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो जो राजा का नियंत्रण था वो भी खत्म हो गया
लेकिन चूंकि नगर राज्य बन गए, सामंतवाद यहाँ नहीं पनपा, इसलिए लोगों के ऊपर न तो सामंतों का बंधन था और न राजा का नियंत्रण था। अतः यहाँ के जो निवासी थे वो स्वतंत्र विचारों के थे। इसीलिए जब नए स्वतंत्र चिंतन की बात आई या कुछ नया सोचने की बात आई तो सबसे पहले वो कार्य इटली में ही आरंभ हुआ। इटली में भी पुनर्जागरण कहाँ आरंभ हुआ है? फ्लोरेंस नगर से प्रारंभ हुआ। इसको याद रखिए, पुनर्जागरण कहाँ से आरंभ हुआ है? इटली के फ्लोरेंस नगर से प्रारंभ हुआ। अब इटली के अंदर कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके लिए पुनर्जागरण जो है, पुनर्जागरण के अंदर जिनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है? सबसे पहले हैं दांते। ये इटली के कवि थे और इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया है। इन्होंने सबसे पहले जो देसी भाषा में पुस्तकें लिखी गई उसमें टस्कन भाषा में इन्होंने डिवाइन कॉमेडी की रचना की। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस समय यूनानी या लेटिन भाषा, इसी का अगर प्रयोग करोगे तो ही तुम्हें माना जाएगा कि भाई आप बहुत अच्छे कवि हैं, आप बहुत अच्छे लेखक हैं। जैसे आपको, आपने भारत का इतिहास पढ़ा है, आप जानते हैं कि जो संस्कृत में लिखता था वही विद्वान था। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जब आया तो उन्होंने लोक भाषाओं का प्रयोग किया और यही कारण था कि बहुत सारे लोग उनके अनुयायी भी बन गए, क्योंकि वो भाषाएं सबको समझ में आती हैं। संस्कृत उनके लिए क्लिष्ट थी, समझ में नहीं आती थी। वहां ऐसा ही हम देखते हैं विश्व के इतिहास में है कि अभी तक जो लेटिन में या यूनानी में लिखोगे तो ही तुम्हें विद्वान और महान माना जाएगा, लेकिन दांते जो है उन्होंने पहली बार टस्कन भाषा में लिखा। और दूसरी चीज, उन्होंने डिवाइन कॉमेडी, दैवीय कॉमेडी की, उन्होंने हास्य है इसमें, तो ये वाली जो चीज है वो धर्म के बंधन से मुक्त होकर है और ये चीज उन्होंने लिखी, इसीलिए उन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। दूसरे प्रमुख व्यक्ति हैं इटली के पेटार्क। इन्हें मानवतावाद का जनक माना जाता है। आपको मैंने बताया अब इससे पहले क्या था, धर्म केंद्रित जो भी कार्य करना है वो धर्म केंद्रित, धर्म केंद्रित साहित्य लिखो, धर्म केंद्रित मूर्तियां हैं, कला है, सब धर्म से केंद्रित होंगे। लेकिन अब मानवतावाद का विचार आ गया जो मानव को केंद्र मानते हुए फिर सारा कार्य करने की बात करता है। तो ये जो मानवतावाद का विचार है वो देने वाले हैं पेटार। इसके बाद इटली के ही तीसरे प्रमुख व्यक्ति हैं जो है मेकियावली। ये राजनैतिक चिंतक थे और इन्होंने जो रचना की वो थी द प्रिंस। इसके अतिरिक्त कुछ कलाकारों के नाम जो बहुत मुख्य हैं इटली के, उनका नाम हमने लिखा है, लियोनार्डो द विंसी, माइकल एंजेलो, राफेल जैसे कलाकारों ने इटली के पुनर्जागरण में योगदान दिया। अब हम अगले भाग में पुनर्जागरण के आगे चर्चा करें।